नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है, मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो लगातार सरकार पर, अपनी ही सरकार पर, हालांकि वो राज्यपाल हैं लेकिन उन्होंने कभी भी सकुचाए नहीं है सरकार पर उंगली उठाने से, खास तौर से जब किसानों का मुद्दा। हम बात कर रहे हैं सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक ने लगातार ये बोला कि किसानों के विरोध में है ये कानून, किसानों की सुननी चाहिए। कानून तो वापस हो गया, लेकिन एक फंक्शन में मेघालय के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें कह गए और सीधी टिप्पणी, अब तक तो वो सीधी टिप्पणी से बच रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, अब तक वो सरकार पर धावा बोलते थे, लेकिन चरखी दादरी में किसानों को संबोधित करते हुए एक सभा में वो क्या बोल गए, आइए आपको सुनाते हैं। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। तो फिर उन्होंने कहा कि अमित शाह से मिल लो। अमित शाह ने, सत्यपाल मलिक जो बताते हैं कि अमित शाह ने उनको क्या बोला, आइए वो सुनते हैं। अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्यपाल इसके अकल मालक के हो, तुम लिखता हो मिलते हो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ रहा है। तो जैसे कि आपने सुना, ये दो बहुत ही सीधे बयान हैं, सीधी टिप्पणी प्रधानमंत्री के ऊपर। अब तक सरकार की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन सत्यपाल मलिक से एक खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने, जिसमें वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि सत्यपाल मलिक ने क्या कहा इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार किसानों के मुद्दे पर अपनी सरकार के आलोचक रहे हैं। उनका एक नया बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रवैया बहुत अड़ियल था, वो घमंड में थे। उन्होंने उनसे कहा कि 500 किसानों की मौत हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो मेरे लिए नहीं। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ सत्यपाल मलिक साहब खुद हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात हुई, आपने कल ये बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी जी का काफी घमंड में थे, क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने आपसे? देखिए, उनसे जब भी मैंने एमएसपी या तीनों कानून की बात की उस वक्त, तो उनका रवैया बहुत अड़ियल था और ऐसा था कि जैसे वो नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने अल्टीमेटली मुझे ये कह के खारिज कर दिया कि जाओ तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह साहब से मिला। अमित शाह प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शायद लोग उनको मिसगाइड करते हैं, तुम मिलते रहो, किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। तो जो आई ठीक है। दूसरा बयान जो आपने कहा कि आगे आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आप अमित शाह जी से मिलो जाकर, आप अमित शाह जी से मिले। अमित शाह, आपने बोला, जो आपका बयान है, मैं कोट अनकोट बोल रहा हूँ, आपने बोला कि अमित शाह जी ने आपसे कहा कि मोदी जी की मत मारी गई है, कुछ लोगों ने उनको बहका रखा है और एक ना एक दिन उनको समझ में आएगा, आप मिलते रहो। तो क्या एक चर्चा हो गई है कि अमित शाह जी और मोदी जी में संबंध अच्छे नहीं है, या अमित शाह जी ने मोदी जी के बारे में कुछ गलत कह दिया आपसे? थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, क्या कहने का मतलब? मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना या असम्मान रखता, उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिलते रहो तो किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। आपको लगता है समझ में आई बात? आई, और मैं उसके लिए प्रधानमंत्री को ऑलरेडी बधाई दे चुका हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि किसानों को उठने का और सम्मानजनक रास्ता दे दिया आंदोलन को स्थगित करने का। तो लेकिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रवैया ठीक नहीं था, थोड़ा टाइम लग गया, लेट हो? देखिए, वो तो इससे साबित होता कि कई महीने तक तो बातचीत बंद हो गई, सुनने को तैयार नहीं थे, अड़ियल थे। आपको लगता है पहले सुन लेते तो शायद थोड़ा पहले होता? पहले सुन लेते तो ना तो कोई राजनीतिक नुकसान होता, ना जान माल का नुकसान होता, इन लोगों की जानें बच जाती जो मरे हैं, और इसमें प्रधानमंत्री की प्रशंसा होती। देर आए दुरुस्त आए तब भी लोग अच्छा मान रहे हैं, लेकिन उस वक्त शुरू में कर लेते तो बहुत अच्छा होता। सर,
फिर इस बयान के बाद एक और राजनीतिक हमासान हो गया है, कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हैं आपके इस बयान को लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। जाहिर सी बात है चुनाव का वक्त है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और राज्य में चुनाव है। आपको लगता है इस बयान से थोड़ा नुकसान हो रहा है आपकी पार्टी को? और आप तो पहले भी कह चुके हैं कि आपको पद का लोभ नहीं है। नहीं, असल में ये हमारे बीच की बात है, कांग्रेस को या किसी को इसमें कूदना नहीं चाहिए। और पहले मेरे से ये उनको वेरीफाई करना चाहिए था कि मैंने ऐसा कहा कि नहीं, जो मैंने बात कही नहीं वो मेरे मुंह में डाल के आप अपनी राजनीति ना करें तो अच्छा है। ये संदेश दे रहे हैं आप कांग्रेस को? जी सर, क्या जो इस बयान के बाद अब आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किलें होंगी? लगातार चूंकि किसानों के मुद्दे बोलते रहे, फिर आपका एक नया बयान आ गया, बीजेपी असहज स्थिति में होगी? मैं नहीं, असहज नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस दिन ये कानून वापस लिए और जिस टोन में और जिस तरह उन्होंने बात की, उससे उनके लिए गुडविल बढ़ी है लोगों में, तो उनके लिए कोई बात असहज नहीं होने वाली। जो था पास्ट वो तो था, लेकिन इसके बाद जो उनका करेक्शन है वो लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो करेक्शन है, लोगों ने एक्सेप्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप कहते रहे हैं कि बीजेपी के लोग गांव में नहीं जा पा रहे प्रचार करने के लिए। आपको लगता है तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां से आप आते हैं, वहां पर बीजेपी की स्थिति में कुछ सुधार होगा, अब उनके लोग प्रचार करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी भी कल मेरठ में थे। नहीं, सॉफ्टनेस तो आई है लोगों में मोदी जी के प्रति, जो पहले कड़वाहट थी, बहुत कड़वाहट थी पहले, पार्टी के प्रति भी कड़वाहट थी, उसमें सॉफ्टनेस आई है। आपको लगा था कि ये निर्णय भी राजनीति के, तीनों कृषि कानून रद्द करने का भी एक? अब मैं ये तो नहीं कहना, हो गया तो अच्छा ही हो गया जब हो गया। तो ये थी खास बातचीत जो कि आपने सुनी सत्यपाल मलिक। अब जाहिर सी बात है उन्होंने टोन डाउन कर दिए अपनी बात। वो एक एक जिस भाव से बात कर रहे थे पहले चरखी दादरी में, वो उस भाव से ये चीज नहीं बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सत्यपाल मलिक की कौन सी बात में कितना सत्य है, वो जो उन्होंने चरखी दादरी में बोली या आज सौरभ शुक्ला के इस इंटरव्यू। और दूसरी बात, किसानों के मुद्दे में क्या सरकार को घमंड आ गया था और किसकी अक्ल मारी गई थी, जिसका जिक्र अपने भाषण में सत्यपाल मलिक ने किया था। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर दर्शन पाल किसान नेता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रोफेसर गीता भट्ट आप विश्लेषक हैं, आपके विचार भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, मैं पहले आपसे शुरू करूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए महेश जी कि यहां एक गवर्नर हैं, राज्यपाल एक राज्य के, वो खुलेआम, और ये पहली बार उन्होंने आलोचना नहीं की है सरकार की, कब से वो आलोचना करते चले आ रहे हैं? इससे पहले उनकी आलोचना व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ थी। अब वो प्रधानमंत्री पर सीधा टिप्पणी कर रहे हैं कि मेरी लड़ाई हो गई, उनके अंदर घमंड आ गया, फिर मैं अमित शाह से मिला, फिर वो ऐसा बताते हैं कि अमित शाह ने उनको बोला कि अकल मारी गई है, मिलते रहो, हो सकता है सुधार हो। ये सतपाल जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और अभी तो वो संवैधानिक पद पे हैं और उनका राजनीतिक जीवन कोई आज का नहीं है। मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि शायद एमयू में पहले नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे, तो मुझे जहां तक लगता है कि ऐसे व्यक्ति एक इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं और उनकी बोली विचार से ऐसा प्रतीत होना चाहिए जनता के बीच में कि उसकी कोई रिलीवेंसी है। अब लगातार सतपाल जी की जो जिस तरह की गवर्नर जे एन के भी थे, तो कुछ टीका टिप्पणी उनकी चलती रहती थी, तो इनकी बातों को अगर आप ये कहें कि वो किसी तरह से अमर्यादित कर रहे हैं अपने वाणी विचार से या अपने बयान से प्रधानमंत्री को या सरकार को कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने किसी तरह से कोई ऐसा बयान दिया। अभी भी उनके जो इंटरव्यू अभी चले उसमें उन्होंने साफ भी किया कि ऐसा कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर नहीं कहा, लेकिन किसान आंदोलन पे उनकी जो एक बेवाकी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है, तो स्वाभाविक रूप से उस चीज को वो अच्छे से रखना चाह रहे थे, और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी जो है हर एक व्यक्ति को, तो अगर वो ऐसा कहे हैं
और उसको उस चीज को वो नहीं, मैं, अच्छे ढंग से मैं, उन्होंने कहा। वो चीज कह रहे हैं, एक तो एक एक तो उन्होंने जो चरखी दादरी में कहा और अब जो इंटरव्यू में कहा है उसमें भी फर्क है, उसमें भी फर्क है। ये ऐसा लग रहा है कि टोन डाउन कर दिया है उन्होंने अपने आप को। वो बात तो अगर आप एक बार के लिए साइड भी रख दें, मेरा यह कहना है कि उनका यह मानना जिस पर वो अभी भी अड़े हुए हैं कि उस समय सरकार में घमंड आ गया था और प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है, तो क्या आप मानते हैं कि सरकार में घमंड आ गया था और प्रधानमंत्री में घमंड आ गया था? अभी अभी इस साल जो है सतपाल जी का जो है चार बयान मैं देख रहा था, उन चारों बयानों को उन्होंने कहा कि मैंने, मेरा ये कहने का ये ऐसा मतलब ही नहीं था। उन्होंने खंडित भी, आप कल जो चरखी दादरी की बात थी आज आपके ही संवाददाता को उन्होंने जिस तरह से कहा उसी में फर्क आ गया। तो प्रेस मीडिया में छपी या किसी चैनल पे कोई कही हुई बात को अगर वो खुद ऑन नहीं कर रहे हैं, डिसऑन कर रहे हैं, तो उसके आगे हम क्या कहें? यही कह सकते हैं कि जो बीजेपी में उनको मान सम्मान मिला हो, किसी और पार्टी, बहुत सारी पार्टियों में रहे हो, बहुत सारी पार्टियों से चलकर आए और उनको कहीं इस तरह का मान सम्मान नहीं मिला जो भाजपा ने उनको दिया। अब सवाल ये कि कोई भी अपनी पार्टी या किसी ने अगर मान सम्मान उनको दिया है उसके प्रति इस तरह का कोई अपमान भरी बात तो उनको नहीं कहनी चाहिए, ना इस तरह की कोई चीज सोच समझ जो है वो रखते हैं। मुझे तो यही लगता है कि भाई उन्होंने एक किसानों के लिए जो एक बात थी उस समय, एक मन में उनके विचार थे, उन्होंने प्रकट किए, उसको इससे ज्यादा वो कह भी नहीं रहे अभी जो इंटरव्यू में आपने दिखाया। जी दुबे जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कि अभी तो पहले ही महेश जी ने पूरी व्याख्या कर दी कि वो एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है सतपाल जी। उनके बयानों के जो फर्क है उसका तो संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उनके बयानों के जो तर्क है, जो कटु सत्य है, उसका संज्ञान न मोदी जी ने आज तक लिया न सरकार लेना चाहता। आपने कहा कि कश्मीर में भी कुछ बयान दिए थे, क्या बयान दिए थे बताइए ना कश्मीर में, कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई उनको, एक एक भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध, आरएसएस से संबंध एक नेता ने और रिलायंस ने, ये तो कहा उन्होंने सार्वजनिक, अभी भी उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से कि इतना अहंकार, इतना घमंड कि वो कहते हैं कि मेरे लिए मर गए। और ये बात इसलिए उनके बयानों की सत्य प्रतीत होती है, जब सरकार से कहा कि 700 किसानों की शहादत हुई है, राहुल गांधी जी ने कहा मुआवजा दीजिए, तो बोले हम तो जानते ही नहीं कौन 700 किसान। फिर हमने एक सूची सौंपी विधिवत, और पंजाब की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने न सिर्फ पंजाब से संबंधित किसानों को मुआवजा दिया, नौकरी भी, अरे निर्ममता से मारने के आदेश तक दिए आपके मुख्यमंत्री ने। और ये एनर्जी के सिद्धांत की तरह था, इट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऊर्जा के सिद्धांत की तरह था। जो अहंकार मोदी जी से चला था वो उनके मुख्यमंत्रियों तक परिलक्षित हुआ, उनके मुख्यमंत्रियों ने लहूलुहान करने के आदेश दे दिए, उनके मंत्री के पुत्र ने तो गाड़ी चलाकर मार डाला, आज चार्जशीट फाइल की गई 5 अक्टूबर को, यही मंत्री जी कह रहे थे कि मेरा बच्चा, मैं गवाह हूं, वो मौके पर मौजूद ही नहीं था, उसने ये कृत्य नहीं किया, जबकि चार्जशीट पे ये प्रमाण दिए गए हैं कि सारे साक्ष्यों को संग्रहित करने के बाद ये पता लगता है कि न सिर्फ वो बच्चा मुख्य आरोपी है अपितु उसकी फॉरेंसिक एविडेंस है कि रिवॉल्वर से गोली भी चली। कितना नीचे, कितना पिछले स्तर तक गिरेंगे आप तो? ये अन्नदाता है जिन्होंने आपको जिताकर बिठाया है सतपाल वाली, कोई कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से आप उस सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं। और यह अहंकार नहीं, बर्बरता और निर्ममता है। प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देनी चाहिए और राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक बयान छोड़ के, अपने एक बयान को छोड़ करके सत्यपाल मलिक लगभग सारे बयानों पर अभी भी अड़े हुए हैं। जैसे कि उनका यह कहना कि प्रधानमंत्री को घमंड आ जाना, उनका यह कहना कि जब 500 लोग मरे तो प्रधानमंत्री का यह बोलना कि मेरी वजह से नहीं मरे हैं, एक बस वो अकल मारी गई है, ये वाला बयान वो दोहरा नहीं रहे हैं। प्रोफेसर दर्शन पाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या ये सत्यपाल मलिक के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं, या ये वास्तविकता है? संकेत जी देखिए, सत्यपाल मलिक जिस भी पार्टी में है या जिस भी कंस्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में है, लेकिन उनका बैकग्राउंड जो है वो फार्मिंग कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, और मुझे लगता है कि सभी पार्टियों में जो फार्मिंग कम्युनिटी से, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आए हुए जो नेता थे, उनका इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ
पॉजिटिवली और नेगेटिवली एक लिंक था। और सत्यपाल मलिक जी के जितने भी बयान आए हैं हमारे इस आंदोलन के बारे में, उसको इस फ्रेम में रख के देखना चाहिए कि उनकी आत्मा जब किसान शहीद हो रहे थे तो मुझे लगता है कि कुछ नेता वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, किसी भी पदवी में हो, कम से कम उनकी आत्मा की आवाज तो सुनते हैं, वो अपनी आत्मा की आवाज। जो लोग अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुनते और एक डंडा चलाते रहते हैं, वो जो लोग हैं वो इंसाफ नहीं कर सकते समाज और अपने लोगों के साथ। और मैं सत्यपाल मलिक जी ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बयान को तो बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। उन्होंने जो भी कहा आज जो आया है अखबारों में कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जो एटीट्यूड था या उन्होंने जो डेथ हुई जो किसानों शहीद हुए जो किसान जो उनके बारे में अगर ये शब्द यूज किए हैं क्या वो मेरे लिए मरे हैं वो लोग, तो ये जो कहना है ये अपने आप में बहुत ही उन जो हमारे किसान साथी हमसे बिछड़ गए हैं उनके लिए बहुत ही अपमानित बात है। प्रोफेसर दर्शनपाल, डॉक्टर दर्शनपाल, मेरा कहना ये, देखिए अगर संवैधानिक पद पर सत्यपाल मलिक हैं तो संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री भी हैं, और क्योंकि ये एक क्लेम है, एक दावा है, अभी हमने दूसरी तरफ से बात सुनी नहीं है, तो इसीलिए मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि ये सत्य है जो वो बोल रहे हैं या वो कोई एक ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसके जिसके कुछ और मायने होने चाहिए? आपको नहीं लगता एक स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से? मैं इसको बिल्कुल ये कहना चाहता हूं के पूरे आंदोलन के बारे में जो बीजेपी ने एटीट्यूड अपनाया था पूरे आंदोलन में, लगातार लोगों की शहादतें हो रही हैं, लोग बारिश में तूफान में बैठे हैं, और अंत में जाके एक साल के बाद उसमें भी पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, बार बार लोगों की आवाज पूरे देश से आ रही है, और अचानक 19 तारीख को पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी अनाउंसमेंट करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी ड्यूटी बनती है पूरी पार्टी और सरकार के अंदर डिस्कस करके कुछ किया हो। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल अहंकार, या जिसको उन्होंने शब्दों में दूसरा बोल दिया है कि उनको एक घुमंड आ गया था। ये पावर का जो घुमंड है, ये पावर का घुमंड तो पहले दिन से हम आंदोलन में दिखाई देता था, बातचीत करने में। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, अब तो कानून वापस हो गए। सत्यपाल मलिक ये भी कह रहे हैं कि अब लोगों के दिलों में कुछ नरमी आई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे, मैं नहीं मानता ये बात, क्योंकि किसान, ये किसान भली भांति ये समझते हैं कि तीन कानून तो हमारे आए थे और वापस हो गए, लेकिन एग्रेरियन क्राइसिस, सुइसाइड्स, वो पूरा MSP का इशू और बड़े लखीमपुर खीरी का इशू रोज एक नए जख्मों की तरह कुरेदता है पूरे समाज को। 15 जनवरी को आपकी एक समीक्षा बैठक है, आपको लगता है कि सरकार अपना सही ट्रैक पर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक कोई भी इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केसेस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, MSP के बारे में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी है, और लखीमपुर खीरी का आप देख रहे हो, हमारी डिमांड लगातार रही है, चार्शीट फाइल हो गई है, और लखीमपुर खीरी के आशीष मिश्रा के पिताजी आज भी वो गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं। तो ये जो काम करने का स्टाइल है, इसको घमंडी ही बोलेंगे हम कि आप शोर मचाते जाओ, हम परवाह नहीं करते आपकी। प्रोफेसर भट्ट, प्रोफेसर गीता भट्ट, आप सुन रहे हैं डॉक्टर दर्शनपाल का ये कहना है कि हमारे पास अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अभी भी कानून वापस हो जाने के बाद भी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये घमंडी है, क्योंकि बोला कुछ गया था और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। संकेत जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, मतलब जो कि सिर्फ देश के ही नहीं विश्व के भी सबसे लोकप्रिय नेताओं में जिनकी गिनती आती है, उन्होंने पूरे 130 करोड़ जनता के समक्ष आकर न ही सिर्फ माफी मांगी, उन्होंने दुख जताया जिन किसानों की जो है इस पूरे किसान आंदोलन के समय जिन लोगों की जाने गई, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आगे इसको रिजॉल्व करने के लिए, समाधान निकालने के लिए क्या प्रक्रिया आगे सरकार करने की सोच रही है, उसकी कमिटी बनाई जा चुकी है, नाम मांगे जा चुके हैं, वो सारी प्रक्रिया चल रही है, पर उसमें कुछ समय लगेगा।
तो जो एक तरह से अगर जिस प्रकार की बात अभी उन्होंने कही है दर्शन लाल जी ने, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरा प्रयास किया गया था कि किसानों तक ये बात पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री जी ने तो खुद कहा कि मैं शायद हम में कोई कमी रह गई, तो उससे भी एक ये एक उदारता का भाव झलकता है, उसमें कहीं घमंड नहीं झलकता ये कहना कि हमारी ही कोई गलती रही होगी कि हम अपनी बात नहीं समझा पाए। अब उसको जो है जो विरोधी पक्ष है वो उसको तोड़ मरोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो ठीक है उनके कोई अपनी राजनीतिक नहीं, लेकिन प्रोफेसर भट्ट ये बताइए ना, डॉक्टर दर्शन पाल ने जो बोला है कि जितने वादे किए गए, किसान मोर्चा के लोग भी चुनाव में आने का जो है उन्होंने निर्णय ले लिया है, बिल्कुल लिया है, तो आज वो राजनीतिक उसका राजनीतिक जो एक मोड़ है उसने जो उस आंदोलन ने ले लिया है। डॉक्टर दर्शन पाल का जो कहना है कि अब तक जो वादे किए थे जिसकी अभी समीक्षा होने वाली है 15 जनवरी को, उसमें भी अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं पुराना छोड़िए, अभी नया ट्रैक रिकॉर्ड भी गड़बड़ है। लखीमपुर खेरी की जो जुड़ी हुई जो घटना है उसके लिए जो दोषी है उसको जेल हुई है, उस पे केस चल रहा है, SIT बैठी है, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है, उसमें आगे कार्यवाही होगी। आपको भी मालूम है कि जो कानून व्यवस्था है, कानून प्रक्रिया है, उसमें कुछ समय लगता है, वो समय जो अपना समय है वो व्यवस्थाएं लेंगी। लेकिन ये कह देना अभी से उसके ऊपर अपना निर्णय दे देना कि जो है कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी है। दुबे जी आपका रिस्पॉन्स, देखिए एक सवाल जो उठाया प्रोफेसर दर्शन पाल ने, मैं वापस उनके पास भी आऊंगा, उनका यह कहना है कि जो चीजें जो वादे किए गए थे जिसकी समीक्षा अभी होगी वो वादे भी अभी तक पूरे नहीं हुए, उसमें सबसे प्रमुख जो है किसानों का कहना है वो है टेनी जी का इस्तीफा। प्रोफेसर भट्ट और मुझे पूरा यकीन है महेश वर्मा जी भी यही बोलेंगे कि आप बेटे की जो गलती है उसकी सजा बाप क्यों भुगते। संकेत जी पहले दिन से ये समय ही तो चाह रहे थे, ये चाहते थे कि समय मिल जाए ताकि जांच जो तीव्र गति से सर्वोच्च अदालत ने निर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश का रिटायर्ड जज नहीं होगा बाहर का होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों तय किया कि IPS कैडर का ऑफिसर वो जो उत्तर प्रदेश का नहीं होगा वो SIT में होगा, ये क्यों सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम रात को 1 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे स्टेटस रिपोर्ट की। आपने स्टेटस रिपोर्ट जो सबमिट किए वो भी ऐसा लग रहा है कि इसमें पक्षपात हो रहा है। इनके भाजपा के कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं, आखिरी बार उस महिला ने कहा कि मेरे पति जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पुलिस अभिरक्षा में देखे गए, उसके बाद उनकी मौत हुई, अर्थात उनका इशारा था कि पुलिस ने मार दिया उनको। तो जब खुद भाजपा के नेता पूरा देश अविश्वास व्यक्त कर रहा है तब कौन सा समय, और प्रधानमंत्री जी केस वापिस करने में कौन सा समय लगता है बताइए मुझे। राज्य सरकारों को निर्देशित किया आपने, भाजपा शासित राज्य सरकारों को, आपने इस बात को निर्धारित करना चाहिए था रातों रात। आपने कहा आपदा में अवसर ढूंढते और 3 काले कानून ले आए, तब तो समय नहीं चाहा आपने, न स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया, रातों रात ले आए। अब कहते हैं समय चाहिए साहब, किस बात का समय, समर्थन मूल्य की कमेटी बनाइए आप, उसमें कोई समय नहीं लगता। आपके कृषि मंत्री अप्रत्यक्ष रूप से इशारा कर चुके हैं, मुझको लगता है इन 5 राज्यों के चुनाव निपट जाने के बाद फिर से आप वज्रपात कुठाराघात करेंगे, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आप संशोधन चाहते हैं जहां पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दें, बाकी नहीं तो पूरे के पूरे कानून आप दिसंबर 2019 में बता चुके हैं, लोकसभा में मेरे पास जवाब पड़ा है कि 7 के 7 प्रोविजन स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, क्योंकि ये राज्यों का अधिकार था। आपने जो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33B जिसमें वाणिज्य और व्यापार था उसमें कृषि का कानून लेकर आए, क्योंकि 5 पूंजीपति मित्र आपके चाहते हैं, लेकिन ये देश वर्मा नहीं। महेश वर्मा आपका बयान मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए चाहे दुबे जी हो या डॉक्टर दर्शन पाल, उनका यह कहना है कि अगर बात घमंड की हो रही है तो आज भी वो उदाहरण देने को तैयार हैं कि कैसे सरकार घमंडी है इस मुद्दे पर और अभी भी वो अपने ही फैसले पर अड़ी हुई है और कार्रवाई की नहीं है। आपका जवाब। संकेत जी, जो प्रोफेसर भट्ट ने कहा, गीता भट्ट ने कहा, उससे कोई भी आदमी सहमत होगा। एक ऐसे कानून को वापिस लिया गया इस देश में जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रोक थी, जिसको सरकार ने पार्लियामेंट में लेट डाउन नहीं किया, जिस तरह का कानून इस देश के 7 राज्यों में इसी तरह का कानून लागू है, उसके बावजूद भी
प्रधानमंत्री ने नतमस्तक होते हुए माफी मांगते हुए, अगर घमंडी होता तो माफी मांगते और ये कहते कि ठीक है, उसके बावजूद भी आप लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए तो हम इसको वापस लेते हैं, बिकॉज क्योंकि आप लोग कहीं किसी तरह से हम आप लोगों को समझाने में सफल नहीं रहे। दूसरी बात जो अभय जी कह रहे हैं, इस देश में अब से पहले इस तरह का रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ। इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कत्लेआम हुआ उनके कातिलों को यही कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री और मंत्री और सांसद बना के नवाजती रही। इस देश में दिग्विजय सिंह जो है डायर की तरह किसानों को 26 किसानों की निशंस हत्या की, तब दर्शन पाल जी जैसे लोग जो है चुप रहे। हुगली में जो है गोलियों से भून दिया गया। आज तक चार्जशीट अगर दाखिल हुआ एक आदमी को भी सजा मिली हो, तो हम इस चीज को कहने लायक हो कि हाँ ये वही देश है जहाँ पे किसानों को मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उनके साथ गलत होता है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर बात ये रखी है, मैं जरा डॉक्टर दर्शन पाल का रिस्पॉन्स ले लूं। डॉक्टर दर्शन पाल, आपने सुना महेश वर्मा का ये कहना है कि ऐसा क्यों है कि आप इंसाफ की गुहार कुछ ही मामलों में लगा रहे हैं, सारे किसानों के प्रति जो इंसाफ की भावना होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ये एक भी जगह दिखाएं, जब दिग्विजय सिंह जी ने मुलतई में जो हुआ था जिसमें 26 किसान शहीद हुए थे उसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़े, जब ममता बनर्जी ने बंगाल में किया कत्लेआम तब भी हम लड़ाई लड़े। ये किसानों बल्कि आपकी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारे किसान संगठनों की लड़ाई जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है उनके खिलाफ भी है, जहां बीजेपी है उनके खिलाफ भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी क्योंकि बीजेपी है, मोदी जी हैं, इसलिए उन्होंने जो हमारे साथ किया हम उसी को पिन पॉइंट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे ना कि तीन कानून कोई केरला का मुख्यमंत्री लेके आया है या उन्होंने बात नहीं सुनी, तो ये तो हम कहेंगे ही कि 22 जनवरी के बाद 19 नवंबर तक इतने महीने बीत जाने के बाद कभी भी सरकार ने बातचीत का दरवाजा क्यों नहीं खोला, बातचीत का दरवाजा ही नहीं खोला। सरकार ने अपनी तरफ से जैसे खैरात देनी होती है किसी भिखारी को वो दी और बोला कि उठ के अब चले जाओ, और उसके बाद भी जब हम एमएसपी और केसों के बारे में प्रोटेस्ट करते रहे अड़े रहे तब जाके भी सरकार ने हमें ऑर्डर भेज दिए सेक्रेटरी एग्रीकल्चर में, तब भी बातचीत बैठ के डिस्कशन करके मुद्दे के ऊपर नहीं आए ये लोग। ये तरीका है काम करने का, डिस्कशन नहीं, डिबेट नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ये तरीका ही तो होता है। तो अब देखना ये होगा कि सत्यपाल जी जो हैं वो कितना सत्य बोल रहे हैं। किसान नेताओं का तो ये मानना है कि अभी भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बदला नहीं है सरकार का, और 15 जनवरी की वो समीक्षा की जो डेडलाइन थी किसानों की वो भी अब नजदीक आ रही है। क्या कार्रवाई होगी और क्या सरकार, और यहां पर जैसे सत्यपाल मलिक ने कहा, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि वो उस समय एक घमंड आ गया था, तो क्या वो सरकार का घमंड खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, और सतपाल जी सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।